जिले के सदर थाना क्षेत्र के मास्टरपाड़ा के एक घर में 8 अप्रैल की देर शाम 7:30 बजे आग लग गई। मकान डोमनसाव का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने विस्फोट की आवाज सुनी है, जिसमें कयास लगाया जा रहा है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने से हुआ। सूचना मिलने पर 15 मिनट के भीतर दमकल की गाड़ी पहुंच चुकी है। आग पर काबू पा लिया गया है। खबर लिखे जाने तक जानमाल के नुकसान का पता नहीं चल सका। मास्टरपाड़ा में सघन आबादी होने की वजह से बचाव कार्य में परेशानी हो रही है। लोग डरे हुए भी हैं। कहा जा रहा है कि मकान में 3-4 किराएदार रह रहे हैं। उन्हीं लोगों के किसी घर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी का कहना है कि घर में आग पहले लगी सिलेंडर आग से गर्म होने के बाद ही फट रहा होगा। हालांकि सच्चाई का पता लगाया जा रहा है। घर में बत्ती जला के गया था। अच्छा। और कुछ मेरा घर में कुछ नहीं जल रहे थे ना, गैस बंद करके गया, सब कुछ बंद करके गया। तो फिर अचानक इस तरह का घटना कैसे घटा? ये तो हम भी नहीं जानते थे कैसे हो गया है। अच्छा। मीटर कब से खराब था। अच्छा। तो बोली है मीटर, हमको मालूम होता है मीटर से आग लग गया होगा। याफी का घर है? हाँ, भाड़ा में रहती है। भाड़ा में रहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? ममता मंडल। अंदर में आग लगा है। अब हम लोग धुआं हो रहा था, तो हम लोग घर में आए किए थे ड्यूटी से। उसके बाद जो है धुआं हम लोग देखे तो पीछे आवाज, पहले इसको घर के पीछे में आवाज आग लग चुका था। मैंने कि पेड़ उड़ में भी जो फड़क फुड़क आवाज कर रहा, हम लोग को तार उड़ शॉर्ट कर रहा होगा वायरिंग का, तो देख रहे पूरा आवाज कर रहा है बराबर। हम लोग जल्दी से घर खाली करने लगे, सब बच्चा लोग को हटाने लगे। बोला आग लग जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, करंट फैलेगा तो आदमी भी कहीं दीवार में सटेगा तो करंट लगेगा, तो उसमें ये होगा। उसके कारण से हम लोग पूरा घर खाली करने लगे। अब फिर जो है पूरा मैंने पूरा आग लग गया, फैल गया पूरा। उसके बाद फिर भी हम लोग खाली हो गया वहाँ से। इसको जो है क्या बोलते हैं, दमकल वाले को तो हम लोग पास नंबर नहीं था, वो आया तो भाई उनको फ़ोन किए, वो करने के बाद जो है फिर आया। तब तक हम लोग सामान और निकाल ही रहे थे, कुछ कागज उगज बच्चा लोग का पेपर ऊपर था पढ़ाई का, वो सब जरूरी था वो सब निकालना। बाकी पेपर कुछ रहता तो जल जाएगा, कोई बात नहीं। बच्चा लोग पेपर पर हमको जरूरी ज़्यादा चिंता था, हम उसी में घुसने गए हैं लाने के लिए। तब तक आवाज़ किया, बहुत जोर आवाज़ किया, मतलब छोटा मोटा आवाज़ नहीं किया, मतलब कोई जैसे भी होता ना। आग कैसे लगा मालूम नहीं चला। घर में कौन कौन था? कोई नहीं है, अकेले लेडीज रहती है। तो अभी कहाँ बनाती है? कितना दिन से वो लोग गई है? लेडीज कहाँ गई है? यही है, वो तो दोपहर में जाती है खाना बनाने के लिए, शाम तक आ जाती है 7 बजे, फिर 5 बजे। क्या नाम है उनका, लेडीज का जो रहती है यहाँ पे? उनका नाम है मुक्ता मंडल। अच्छा। तो ये सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ उसमें? वही तो, बहुत ज्यादा आवाज आया तो सिलेंडर की आवाज आया, और कुछ ऐसा है नहीं की जितना भयंकर आवाज आएगा, ताकि करकट वगैरह सब उड़ते हुए जो है ना आग फैला है। और किसी को क्षति नहीं ना हुआ? ना, कोई क्षति किसी को नहीं हुआ। हम लोग पहले ही यहाँ से सब बच्चा लोग को जितना यहाँ का था सबको हम लोग। कौन लगते हैं महिला के? हम लोग कोई नहीं है, बगल के हैं हम लोग। तो ये किसका आवास है? आवास है डोमन साहब का है। अच्छा, आप लोग किराए पर रहते हैं? हाँ, हम लोग रेंट में हैं। अपना नाम परिचय बताइए। हम आई सी एम के पास हमारा गैरेज है, वो इसके फोर व्हीलर का मैकेनिक है। नाम 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 क्या? मिस्त्री नाम है। ठीक ठीक।